मौजूदा हालात को देखकर ये कहना गलत नहीं है कि रीजनल सिनेमा बॉलीवुड के इस रेस में लगातार ही पछाड़ता जा रहा है। चाहे आप फिल्म आरआर को ही देख लीजिए या फिर ऑस्कर में नॉमिनेट हुई फिल्म छेलो शो को, कहीं न कहीं रीजनल सिनेमा में बनी फिल्म अपनी दमदार कहानी की वजह से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गया है। तभी तो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी रीजनल सिनेमा की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बहुत जल्द मराठी फिल्म में डेब्यू करते नजर आने वाले हैं। कब, कैसे और कहाँ, चलिए हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बहुत जल्द फिल्म मेकर महेश मांजरेकर के साथ मराठी फिल्म वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। बुधवार को मुंबई में इस फिल्म के मुहूर्त समारोह में इसका ऐलान किया गया है। वहीं एक्टर अक्षय कुमार के लुक के बारे में बात करें तो एक्टर ब्लैक पैंट के साथ सफेद शर्ट में डैशिंग लग रहे थे, जबकि महेश मांजरेकर ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक फिल्म में एक्टर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे। अपने रोल के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह के एक महान व्यक्ति की भूमिका निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ। ये एक सपने के सच होने जैसा है। ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। इवेंट के दौरान महेश मांजरेकर ने खुलासा किया कि अक्षय कुमार के साथ काम करने की उनकी दिली इच्छा थी और इस रोल के लिए मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देख सकता। वो एक हिंदू राजा के रोल निभाने के लिए उपयुक्त छवि है। वसीम कुरैशी द्वारा निर्मित वेडात मराठे वीर दाड़ले साथ दिवाली 2023 पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ये चार भाषाओं में यानी मराठी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। इस बीच अक्षय कुमार आखिरी बार राम सेतु में नजर आए थे, लेकिन बड़े पर्दे पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब देखना ये है कि क्या इस फिल्म के जरिए अक्षय का मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने का फैसला उनके नाम ऑस्कर अवार्ड करवा पाएगा और एक्टर इतिहास रचने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।